राजधानी देहरादून में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से शीतकालीन गद्दी स्थलों पर यात्री सुविधाओं को लेकर कई स्तर पर कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजर ने बताया कि ऊखी मठ स्तर ओंकारेश्वर मंदिर है, जहां पर शीतकाल में बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। बता दें कि शीतकालीन गद्दी स्थलों पर उनकी विकास और सौंदर्यकरण के लिए बद्रीनाथ केदारनाथ समिति द्वारा बड़े स्तर पर कार्य योजना शुरू की गई है, जिसमें प्रथम चरण का निर्माण कार्य बड़ी तेजी से हो रहा है। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर में भी ढांचागत विकास के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें यात्रियों को हर तरह से लाभ मिल सके। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, आप जानते हैं कि गत वर्ष और इस वर्ष भी यात्रा अपने चरम पर रही, और ग्रीष्मकाल में जब यात्रा सीजन था तो उस समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में आए, इसको लेकर के हम उत्साहित हैं। और इसी क्रम में प्रदेश सरकार के स्तर से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी जैसा कहा गया कि शीतकालीन यात्रा को लेकर के फोकस किया जा रहा है, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से भी जो शीतकालीन हमारे गद्दी स्थल हैं वहाँ पर यात्री सुविधाओं को लेकर के, वहाँ पर आधारभूत ढांचे के विकास को लेकर के कई स्तरों पर कार्य किया जा रहा है। और इस क्रम में जैसे आपको संज्ञान में लाना चाहूँगा कि ऊखीमठ स्थित जो ओंकारेश्वर मंदिर है, जहाँ पर कि शीतकाल में बाबा केदार की पूजा होती है और उनकी डोली वहीं अवस्थित होती है, उसके विकास के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए, वहाँ पर आधारभूत ढांचे के विकास के लिए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा बड़े स्तर पर कार्य योजना शुरू की गई है। और प्रथम चरण का जो हमारा निर्माण कार्य है वो वहाँ पर बहुत तेजी के साथ में चल रहा है। शीघ्र ही हम द्वितीय चरण के निर्माण कार्यों के, जीर्णोद्धार कार्यों के लिए भी हम उसकी DPR इत्यादि तैयार हो रही है। तो इसी प्रकार से जोशीमठ स्थित जो नरसिंह मंदिर है वहाँ पर भी ढांचागत विकास के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, पार्किंग की सुविधाएं, इस प्रकार से जो भी वहाँ पर यात्री सुविधाएं हो सकती हैं उनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मंदिर हैं जिनकी बड़ी महत्ता है, लेकिन वो प्रचार प्रसार के अभाव में जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, उनके नज़रों के सम्मुख नहीं है। तो हमारा प्रयास है कि ऐसे ऐतिहासिक पौराणिक महत्व के धार्मिक स्थलों को, तीर्थ स्थानों को भी हम प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों तक पहुँचाएँ।